वाह बहुत अच्छे वाह माली गीत का लाइन हो देखा कोनो गांव देहात का मेहरारू परदेशी दुल्हा से रिक्वेस्ट करत हो अदायगी के साथ कहले बाका जवन जवन कहबा सैया मन बजनी गिया में जवन जवन कहबा सैया मन बजनी गिया में चनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में चनी जा विदेश राजा जवन जवन कहबा सैया मन बजनी गिया में मन बजनी गिया में जनी जा विदेश राजा कितना लोगन के मिशन गीत भी नहीं भावेला लेकिन भैया हो आदेश आदेश होला दूसरी बात जयंती मनावल यही लिए जाला कि कम से कम अपने महापुरुषों के पग चिन्हों पे हमें आप चलने की प्रयास करें याद करें वो कितने संघर्ष किए थे हमारे लिए ये कोई गीत नहीं है बल्कि एक हमारे कलेजे की दर्द है भाव है कैसा कई के कोलंबिया से बाबा जी पढ़ैया कई के कोलंबिया से बाबा जी पढ़ैया अइले सतारा स्टेशनवा पे जइया अइले सतारा स्टेशनवा कई के कोलंबिया से बाबा जी पढ़ैया अइले सतारा स्टेशनवा पे जइया कई के कोलंबिया से बाबा जी पढ़ैया कोलंबिया यूनिवर्सिटी को टॉप करके पीएचडी की उपाधि लेकर बाबा साहब वापस सतारा स्टेशन पे रेलवे से ट्रेन से उतरलन और जब सतारा स्टेशन पे उतरलन तो वक्त कवन रहल रात की वेला अंधेरी रात है पास में है क्या दोनों हाथवा में सूट के सवा उठवन वाला से बचन समझाई के कहे ताग वाला चार पैसा लागी भैया कहे ताग वाला चार पैसा लागी भैया अइले सतारा स्टेशनवा पे जइया सतारा स्टेशन पे उतरलन रात के वेला अंधेरी रात पास में दो सूटकेस बड़ा बड़ा है उसमें और कुछ नहीं है बाबूजी मालूम है क्या है सिर्फ कापी और किताब से दोनों सूटकेस भरा है किसी तरह
स्टेशन पार के जब अलन तो तलाश करे लगलन कि कोई साधन ना दिखाई दे तो मालूम है क्या दिखाई दिया? क्या? तागा जौन एक्का घोड़ा के लेके सवारी लोग कसे घोड़ा से टाली बना के वही पे सवारी बैठा के घोड़ा हाके लोग वही तागे वाला के ऊपर नजर पड़ल कलं कि भैया हमें घर तक छोड़ दो। तागा वाला का अलस कि देखो रात का वक्त है, चार पैसे किराया लगेंगे, मैं आपके घर तक छोड़ दूंगा। बाबा साहब तय करके तागे पे बैठकर चल दिए। जब कुछ रास्ते में गए तो तागा वाला एक सवाल किया, कहा क्या? पूछा तागा वाला साहब जाति का त्योहार हो, जाति का त्योहार हो, बोले बाबा साहब हम तो शूद्र है महार हो, कैलाय छूत तागा डाट तौ न छैया, कैलाय छूत तागा डाट तौ न ठैया, अइले सतारा स्टेशनवा पे जहिया, तागा वाला जब रास्ते में आया तो सवाल किया, कहा कि साहब आप कौन से स्टेट के, कौन से राजधानी के, कौन से महल के राजकुमार हैं? बाबा साहब देखिए अपनी जाति कोई छुपाने का कोशिश नहीं करता। बाबा साहब बड़े नर्मता के साथ कलन की, ये भैया मैं तो अछूत एक शूद्र परिवार का हूं, महार जाति से मेरा नाम है बाबा साहब। तागा वाला इतना ही सुना रोक कर तागा डांट कर नीचे उतार दिया, कहा खबरदार मेरी तागा तूने अछूत कर दिया, अगर शूद्र हो तो उस ढंग का तुम्हें कपड़ा पहनना चाहिए। क्या जरूरत थी कोट पैंट टाई बेल्ट लगाने की? डांट कर फटकार कर जब नीचे उतार दिया, मजबूर हो गए बाबा साहब कलन की, भैया तागा है आपको छुआ गई, हम मानत है अछूत हो गई, लेकिन एक रिक्वेस्ट सुन लो, रात का बेलाबा हम ए टाइम छोड़ के चल जाइब जाइब का कहलन का। अरे तू ना हो किराया ले ला बाबा जी सुनवल, चलावा बाबा साहब से बतवल, पलटल बतागा बाबा गिरी गईल भुइया, पलटल बतागा बाबा गिरी गईल भुइया, अइले सतारा स्टेशनवा पे जहिया, तागा वाला का अलस कि मैं चलूंगा लेकिन हमारी एक शर्त है, जहां चार पैसे की बात है मैं आठ पैसे लूंगा, और शर्त हमारी यह है कि मैं पहले तागा चला रहा था और तू बैठा था, अब तू तागा चलाएगा और तेरी जगह पे मैं बैठूंगा। बाबा साहब स्वीकार कर लिए, ठीक है भैया मैं तागा चलाऊंगा चलूंगा, लेके तागा बाबा साहब कभी चलाए थे नहीं, मजबूरन लेकर तागा चलल हुआ, कुछ है दूर गईला है गड्ढा मिलल, तागा का पहिया
वही जब गड्ढा में गई तो तांगा पलट गल, जब पलट गल तो तांगा वाला तो कूद गया, लेकिन बाबा साहब संभल नहीं पाए, गिर गए नीचे जमी पे, दोनों घुटना का पैंट कट गई, घुटना से ब्लड निकले लगल, तांगा वाला फटकार कर वही छोड़कर पैसा लिया और वापस चला गया। बाबा साहब मुड़ कर देखते रहे, रोते रहे, लेकिन पुनः सुटकेस उठौलन, चलल हुअन घर की ओर। कैसे लागी गई चोट लंग रात चले घरवा, आवाज रामा यही बहरवा, पूछे रामा काहे लंग रात बाड़ो सैया, पूछे रामा काहे लंग रात बाड़ो सैया, अइले सतारा स्टेशनवा पे जहिया, बाबा साहब की धर्म पत्नी रामाबाई वो पत्नी थी, वो धर्म पत्नी थी बाबूजी की, गोहरी पाथ कर गोईठा पाथ कर गोबर का, और अपनी पति को पढ़ाने के लिए विदेश भेजती, इतना बड़ा कष्ट झेलती रही, लेकिन एक जुबा साहब के लिए नहीं बोली, उनके जुबा से जब भी निकलता था तो साहब कहकर पुकारती थी, और बाबा साहब सिर्फ रामू कहकर बुलाते थे। जब द्वारा पे आहट लगल, छोटी सी दीपक लेके रामाबाई बाहर एलिन, चेहरा देखली पति का, स्वामी हमार लंगड़ा तावत हुवन, ए पैरों में चोट कैसा, आप काहे लंगड़ा थुवन। बाबा साहब कुछ नहीं बोले, आबाक खड़े हैं, देख रहे हैं रामाब की तरफ, नहीं बर्दाश्त हुआ, तो बाबा साहब कैलन का सुंदर पुष्पहार, प्यार भरा पुरस्कार, ये रुपया नहीं पैसा नहीं मेरे लिए आशीर्वाद है, और श्रद्धेय महान भाव इस कार्यक्रम के संचालक करता थे, जो रात भर बैठकर और पूरे दिन से हमें लग रहा होगा कि इस कमेटी का कारोबार संभालने का काम किए हैं, सर पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है बाबूजी, कमेटी का सक्रिय सिपाही हर लोग नहीं संभाल सकते, हर लोग नहीं बन सकते, पद उन्हीं को दिया जाता है जो उस लायक होते हैं। तो साहब के द्वारा कवि जी नमोआ परम श्रद्धे यालड़िया फीरा लाल मिश्रा, देखिए कितना बड़ा संघर्ष हमारे लिए है, चूंकि ये अनोखा दृश्य हमें इस माटी पे देखने को मिल रहा है, मिश्रा हो, पाठक हो, दुबे हो, चाहे जो भी लोग हो, इस कमेटी से सभी लोगों का लगाव है, इस पूजा से लगाव है, और हर जगह मैं जाती हूँ कार्यक्रम करने के लिए तो कितने मिश्रा लोग हैं, पाठक लोग हैं, दुबे लोग हैं, कि इस कार्यक्रम से हर वक्त कतराते रहेंगे, लेकिन ये प्यार है पूज्य मिश्रा जी का, कितना बड़ा स्नेह है, आशीर्वाद प्रदान किया गया, शरणों में लाखों बार नमन करती हूँ, सब भैयन के एक स्वर में प्रणाम। बाबा साहब, बाबू, ए चचा, चचा, अच्छा जात ना ही, बैठ जाए दो मिनट और। बाबा साहब के आंख में आंसू है लेकिन कुछ बोलते नहीं है, कैलन का पाकिट से बाबा जी निकल ले कलमिया,
पॉकेट के ऊपर कलम लगी थी, कलम निकाले रामा की तरफ ऐसी दिखा रहे हैं, मालूम है का कलम पॉकेट से बाबा जी निकलले कलमिया, दिए कुल गुरु हमके ये हो निशनिया। मानयो सम्मान सहित कैल बिदैया, मानयो सम्मान सहित कैल बिदैया, अइले सतारा स्टेशनवा पे जहिया। पॉकेट से कलम निकाल के रामा के तरफ देखौल कलम के, रामू एक कलम जानती हूँ मुझे कहाँ से मिला, विदेश कुलगुरु वहां के हमें पुरस्कार के रूप में कलम दिए हैं। मैं इस बात से चिंतित हूँ रामा, जिस देश में मैंने जन्म लिया, जिस देश में मैंने पला बढ़ा, उस देश के लोग मेरे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, इतना बड़ा छुआछूत, इतना बड़ा घृणा रख रहे हैं, और जिस देश में मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, उस देश में मैंने गया, वहां के लोग मान सम्मान सहित हमें विदा किए। इतना ही नहीं, आखिरी लाइन होगी क्या, कहे बाबा साहब लेके अखिया में आसो, कई ले भारी उपहास हो, बिंदु शिव प्रसाद सुन के आवेल रोवैया, बिंदु शिव प्रसाद सुन के अरे आवेल रोवैया, अइले सतारा स्टेशनवा पे जहिया। आवेल रोवैया अइले सतारा स्टेशनवा पे जहिया, अइले सतारा स्टेशनवा पे जहिया।